हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वंचितों के कल्याण के माध्यम से पीएम मोदी कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और सपनों को साकार। कैलाश चौधरी, भाजपा अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी। बाड़मेर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को भाजपा अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से जांगिड़ पंचायत भवन राय कॉलोनी में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने चौहटन सर्कल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजीवन जिन गरीबों, मजदूरों व वंचित लोगों के लिए हमेशा संघर्ष किया, आज उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरा करने का काम कर रही है। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार न केवल डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ का विकास कर रही है, बल्कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए विभिन्न कार्यकारिणी योजनाएं चला रही है। आज उनके सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पूरा करने का काम कर रही है। कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार न केवल डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ का विकास कर रही है, बल्कि समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर बढ़ा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक भाजपा को छोड़ बाकी सभी दलों ने केवल उनके नाम का इस्तेमाल किया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत की एकता का मुख्य सूत्रधार बताते हुए कहा कि अंबेडकर और पटेल के दम पर ही भारत एकता के सूत्र में बंध पाया है। उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर बाबा साहेब की उपेक्षा का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा ही उनकी वैचारिक विरासत संभाले हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही अंबेडकर के सपनों को साकार करने की इच्छा शक्ति है। भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने कहा कि भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल ने कहा कि भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया। वहीं मौजूदा मोदी भी उनके सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। यह रहे उपस्थित सामाजिक न्याय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष आदुराम मेघवाल, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण, भाजपा जिला महामंत्री स्वरूप सिंह खारा, समारोह समिति के संयोजक श्री लक्ष्मण जी बडेरा एवं डॉक्टर मेघाराम जी गढ़वीर, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष पृथ्वी चंडक, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह भादु, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ललित बोथरा, अम्बालाल अलबेला, गिरधर सिंह कोटड़ा, जिला मंत्री अनिता चौहान, डॉक्टर राधा रामावत, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपुरोहित एवं सुरेश मोदी सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं आम जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट देवीलाल कुमावत ने किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर मेघवाल की रिपोर्ट।